वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज 12th क्लास के केमिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक में हम हाफ लाइफ पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड और इस पे पूछे जाने वाले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को कैसे सिंपली बना सकते हैं। ओके, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है? एक्चुअली जब कोई रिएक्शन होता है तो वो टाइम पीरियड जिसमें हाफ ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है, यानी कि अगर 10 ग्राम रिएक्टेंट है तो उसमें से 5 ग्राम प्रोडक्ट में बदल जाए और 5 ग्राम बचा रहे तो उसमें जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं। यानी कि एक एग्जांपल ले लो तो सपोज कीजिए कोई रिएक्टेंट आर है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब टाइम जीरो था हमारा, जीरो टाइम पे टी जीरो, ये रिएक्टेंट सपोज कर लीजिए 10 ग्राम था तो प्रोडक्ट उस समय क्या रहेगा? प्रोडक्ट 0 ग्राम रहेगा। जब टी हाफ होगा तो टी हाफ वो टाइम पीरियड है जिसमें ये रिएक्टेंट 10 ग्राम ना होकर 10 का हाफ यानी कि 5 ग्राम रिएक्टेंट बचा रहा है और प्रोडक्ट क्या रहे? प्रोडक्ट आपका 5 ग्राम हो जाए। यानी कि ऐसे, ये तो हमने एक जनरल एग्जांपल लेकर बता दिया। जनरल एग्जांपल अगर लूं तो सपोज कीजिए कि जीरो टाइम पर रिएक्टेंट का अमाउंट जो था वो एक्स था तो प्रोडक्ट 0 था। अब टी हाफ पे जाएंगे तो रिएक्टेंट का अमाउंट जो रहेगा वो एक्स बाई टू हो जाएगा और प्रोडक्ट भी एक्स बाई टू ग्राम बन जाएगा, ग्राम वेट के अनुसार। ओके, तो वो टाइम पीरियड जिसमें द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ रिएक्टेंट, इसका हाफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। ओके, तो हाफ लाइफ पीरियड अगर किसी रिएक्शन को का दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये कि अमाउंट दे देगा कि इतना अमाउंट रिएक्टेंट का बचा हुआ है तो वो कितना टाइम लगेगा, या फिर टाइम दे देगा और उसके बाद पूछेगा कि कितना रिएक्टेंट का अमाउंट बचा रहेगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तब क्लियर होगा उसमें। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन है कि कोई सब्सटेंस ए टी हाफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 ईयर। टी हाफ इसका क्या है? 10 ईयर। ठीक है, इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ ए इज 100 ग्राम, 100 ग्राम पहले से है, देन फाइंड अमाउंट ऑफ ए आफ्टर 30 ईयर। ओके, 30 ईयर बाद हमको फाइंड करना है कि कितना अमाउंट रहेगा, उसका हाफ लाइफ क्या है? 10 ईयर। तो एक सिंपली हम एक वे दे रहे हैं जिससे इजी वे में आप इसको सोल्व कीजिएगा टेबल के थ्रू। तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पहले टाइम और यहां अमाउंट, अमाउंट ऑफ ए। तो यहां पे टाइम जब जीरो था इनिशियल कंसंट्रेशन तो उस समय अमाउंट जो था इसका ए का अमाउंट आपका था 100 ग्राम। अब जब टाइम 10 ईयर होगा तो उस समय इस 100 ग्राम का हाफ यूज हो जाएगा, यानी इसका 50 ग्राम यूज हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा आपको 50 ग्राम, हाफ बचेगा। फिर नेक्स्ट 10 ईयर में अगर जाएंगे तो नेक्स्ट 10 ईयर में जा रहे हैं तो 10 प्लस 2 यानी कि 20 ईयर में चले गए, 10 प्लस 10। अगर 20 ईयर में जाएंगे तो हमारा फिर से ये हाफ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 25 ग्राम।
नेक्स्ट फिर 10 ईयर और लेंगे यानी कि 30 ईयर पे जाएंगे, तो उस केस में हमारा अमाउंट फिर हाफ होगा यानी कि ये हो जाएगा 12.5 ग्राम। ओके, तो ये जो हुआ 30 ईयर पे, 30 ईयर पे हमारा जो अमाउंट बचा है वो क्या है, 12.5 ग्राम रिमेनिंग रहेगा। अगर टी हाफ ये है, एक चीज और, ये जो भी क्वेश्चंस है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही पूछे जाते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा फर्स्ट या फिर ऐसा दिया रहेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टर को फॉलो करते हैं, तो ये सब्सटेंस ए जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, या फिर सब्सटेंस की जगह पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी लिख सकता है। फॉर यहां पे मैं चेंज कर दे रहा हूं थोड़ा सा, ज्यादातर जो मिलता है वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है, उसका टी हाफ क्या है तो उसके अकॉर्डिंग ही बन जाएगा, सब्सटेंस लिखिए या रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टर को फॉलो करता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, जब टाइम दिया रहेगा और अमाउंट निकालना रहेगा, इसके अपोजिट में कभी कभी अमाउंट दिया रहेगा और टाइम निकालना रहेगा, तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगा, जैसे इसको हटा दे रहा हूं। अब क्वेश्चन ऐसा हो गया कि इसी में इसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए के लिए जिसका टी हाफ 10 ग्राम है, इफ इनिशियल अमाउंट, तो इनिशियल अमाउंट भी 100 ग्राम है मान लिए, देन फाइंड द, यहां से बदल जाएगा, फाइंड टाइम पीरियड आफ्टर विच only 25 ग्राम ऑफ ए remains, ऐसे दिया हुआ है कि वो टाइम निकालिए जिसमें 25 ग्राम remains रहे, तो उसके लिए भी हम चार्ट से बना सकते हैं कि यहां पे टाइम लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये टाइम हो गया और इधर आ जाएगा आपको अमाउंट, उल्टा कर दे रहा हूं क्योंकि हमको अमाउंट निकालना है, यहां पे ही पहले अमाउंट और इधर टाइम लिख दे रहा हूं क्योंकि टाइम हमको निकालना है, उधर कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमाउंट दिया हुआ है वो 100 ग्राम है, तो यहां पे 100 ग्राम है और उस समय टाइम क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो ईयर है तो 100 ग्राम इसका पूरा बचा हुआ है। अब इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 ग्राम, तो 50 ग्राम पे टाइम कितना लगेगा, टाइम 10 ईयर, फिर इसका हाफ करेंगे तो 25 ग्राम, 25 ग्राम बचा हुआ है तो उस समय टाइम कितना लगेगा, 10 + 10 = 20 ईयर, यानी कि 20 ईयर पे हमारा ए का अमाउंट 25 ग्राम रिमेनिंग रहेगा। वीडियो में इतना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।